गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश में यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट करा रही हूँ। वैसे तो मैंने आप इसको ये लेसन आपको रीड भी करवा दिया, इसके हार्डवर्ड भी करवा चुकी हूँ, और आज मैंने आपको इस लेसन के न्यू वर्ड्स करवाने हैं। क्या करवाना है? न्यू वर्ड्स जैसे कि वंडर, ड्राइंग, स्टेज, ग्रेन, पप्पी। तो ये न्यू वर्ड्स अपने लेसन में से लिए गए हैं, जैसे वंडर, ड्राइंग, स्टेज, ग्रेन, पप्पी। तो वंडर क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, वंडर मीन आश्चर्य करना या आश्चर्यचकित। वंडर मीन आश्चर्यचकित। ड्राइंग, जैसे आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ करते हो तो वो आपकी एक ड्राइंग है, आर्ट है, यानी कि चित्रकला। जैसे आपकी ड्राइंग बुक भी होती है, ड्राइंग नोटबुक होती है, उस पर आप ड्राइंग की नोटबुक पे कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर लेते हो तो वो आपकी ड्राइंग है भी, आप ड्रॉ कर रहे हो तो वो आपकी ड्राइंग, आपकी चित्रकला है। ओके, स्टेयर्स मतलब एक टक देखना या घूरना, किसी चीज़ को लगातार देखना या उसे घूरते रहना, स्टेयर्स। ओके, जैसे अपने सामने कोई भी चीज़ है, अपने उसे लगातार कंटिन्यू देख रहे हैं तो वो क्या होता है? घूरना। ग्रैन क्या होता है बेटा? ग्रैन मीन दादा दादी के लिए आता है। तो यहाँ पे ग्रैन का मीन किसके लिए आया हुआ है? दादी माँ के लिए। किसके लिए? दादी माँ के लिए। यहाँ दादी माँ के लिए क्यों आया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे इसने बताया है कि विल लुक लाइक मॉम और ग्रैन, कि इफ़ माई टीचर, कि जो मेरा शिक्षक है वो किसकी तरह होना चाहिए, मेरी मॉम की तरह या मेरी दादी माँ की तरह। यहाँ दादाजी के लिए नहीं पूछा गया, दादी माँ के लिए आया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट है पप्पी, PUPPY, पप्पी। पप्पी मीन्स सभी को पता है, कुत्ते का बच्चा, जिसे आप पिल्ला भी बोलते हो। क्या बोलते हो? पिल्ला। तो पप्पी मीन पिल्ला। वंस अगेन रिपीट बेटा, वंडर WONDER, वंडर आश्चर्यचकित, DRAWING, ड्राइंग चित्रकला, STARE, स्टेयर्स एक टक देखना या घूरना, GRAN, ग्रैन दादा दादी या दादी माँ, यहाँ किसके लिए आया हुआ है? दादी माँ। PUPPY, पप्पी कुत्ते का बच्चा, या इसे आप पिल्ला भी लिख सकते। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।